आप सभी का स्वागत है कुलदीप कौर की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं सिंधी आलू टोक। ये खाने बहुत टेस्टी लगते हैं, चलो बनाना शुरू करते हैं। आलू टोक बनाने के लिए हम 3 छिले हुए आलू लेंगे और इन्हें बीच से काट लेंगे। आप देख सकते हैं आलू के 2 हिस्से कर लेंगे। अब हमने आलू के 2 हिस्से कर लिए हैं, अब हम इन्हें तलेंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और सारे आलुओं को इसमें डाल लेंगे। और आलू डालने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से तल लेंगे। अब हमारे आलू थोड़े से पक गए हैं और थोड़ा सा चलाएंगे और इन्हें और पकने देंगे। अब हमारे आलू अंदर तक पक गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आलू अच्छे से पक गए हैं। और एक आलू लेंगे और कप से थोड़ा सा दबाएंगे और थोड़ा सा दबाने के बाद आप देख सकते हैं सारे आलुओं को इसी तरीके से दबा लेंगे। अब हमने सारे आलू दबा लिए हैं, अब इन्हें दोबारा तलेंगे। आप देख सकते हैं हमने तेल को दोबारा गर्म कराया और आलुओं को एक एक करके इसमें डाल लेंगे। और आलू डालने के बाद इन्हें धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और एक तरफ सिकने के बाद इन्हें दूसरी तरफ को पलट के सेक लेंगे। अब हमारे आलू अच्छे से क्रिस्पी हो गए, अब इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। और एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल गरम करके 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और सारे मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसाला मिक्स करने के बाद इन्हें सारे आलुओं को इसमें डाल लेंगे। और आलू डालने के बाद आलुओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आलुओं को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे आसान तरीके से सिंधी आलू टोक बनकर तैयार हैं और ये खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।